नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चार के चक्र में। और आज चार के चक्र में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। कई देशों के नेताओं से उन्हें जन्मदिन की बधाई भी मिली है। वहीं देश भर में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी देश भर में उनका जन्मदिन मनाती आई है, लेकिन अब की बार ये बिल्कुल खास है। खास इसलिए कि उनके पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 20 साल पूरे हो रहे हैं। तो चलिए आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि उनके ये साल कैसे थे। तो 71 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात का मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुए 20 साल। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। मई 2014 को पहली बार बने देश के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश, सभी जगह प्रसिद्ध है। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई। अधिकतर भारतीय मोदी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे हैं, लेकिन इनकी नियतों की हमेशा प्रशंसा ही की गई है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन यापन कैसा रहा, उनका जीवन परिचय कैसा रहा। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी एक राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सत्रह सितंबर 1950 को हुआ था नरेंद्र मोदी का जन्म। गुजरात के वाडनगर में हुआ था नरेंद्र मोदी का जन्म। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के छोटे टाउन वाडनगर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब ये बॉम्बे में थे, लेकिन अब वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। मोदी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय बेची थी। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। आगे आपको इनके परिवार का परिचय भी कराते हैं। मोदी जी के परिवार का परिचय, पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी, माता का नाम हीराबेन। भाइयों के नाम सुमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी। बहन का नाम वसंती बेन हसमुख लाल मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार मोध खांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं। इसके बाद मोदी के दो छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जो कि अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं और दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी जी की शादी। दरअसल मोदी जी का विवाह खांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में यशोदा बेन चिमनलाल के साथ हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मोदी जी की पत्नी यशोदा बेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी है। मोदी जी को कोई भी बच्चे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का घर वर्तमान में दिल्ली में है, जिसका नाम पंचवटी है। वैसे गुजरात के रहने वाले हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा और शुरुआती करियर कैसा है वो भी आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश, हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया है। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वो भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरुआती करियर आपको बता रहे हैं। तो 2 साल बाद वो भारत लौटे और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी पढ़ाई पर रोक लगा दी। मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में आगे पढ़ाई की। वहीं एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन वो पुस्तकालय में ज्यादातर अपना समय बिताते थे, यानी कि लाइब्रेरी में। उनके वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल में शामिल होने के बाद अहमदाबाद वो गए थे। आगे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये पूरा जो उनका रहा है RSS में, किस तरह से वो आए, किस तरह से उन्होंने काम किया, ये भी आपको बताएंगे। सन 1975 से 77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा और गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल कर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इसका उनका प्रतिबंधीय संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में भी शामिल हो गए। इसे RSS में लेखन का काम सौंपा गया। सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक के जरिए तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी और हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया और इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। चलिए अब आपको समझाते हैं कि उसके बाद आगे उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। सन 1990 में अडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991 से 92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।
1995 के चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी ने महासचिव नियुक्त किए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय भी दिया गया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किस तरह से कार्यरत हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी को थमा दी गई और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विनी मेहता को 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। सन 2002 में गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट। तो नरेंद्र मोदी जी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वे इस तरह से सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। हालांकि इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन फिर मोदी जी ने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की और आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली थी। तो इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की। इस रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर सन 2014 के आम चुनावों में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गए। तो इस दौरान मोदी जी पर लगाए गए आरोपों के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिस कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही रहा। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जाँच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जाँच करने के बाद सन 1910 सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया। हालांकि सन 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। इससे राज्य में काफी परिवर्तन भी आए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किया। सन 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल स्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 263 दिन पूरे कर लिए थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी ने दोबारा जीत हासिल की और वह वहां के तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपिसेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात ने कृषि विकास दर में
काफी वृद्धि होती है। इस वृद्धि इतनी थी कि ये भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिली। सन 2011 में और 2012 के बीच मोदी ने गुजरात में सद्भावना गुडविल मिशन शुरू किया, जो कि राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। मोदी ने कई उपवास भी किए और उनका मानना था कि ये कदम गुजरात की शांति, एकता और सद्भावना के माहौल को अधिक मजबूत करेगा। तो नरेंद्र मोदी की सन 2014 के आम चुनाव में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद को त्यागना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उनका चेहरा जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर अब तक तमाम महत्वपूर्ण योजनाएँ जो हैं वो चल रही हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान भारत का बड़े स्तर पर शुरू किया गया अभियान है। तो बड़े स्तर पर देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये योजना देश के किसानों के बैंकों में खाते खुलने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों के मुफ्त में खाते खोले गए और किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक खाते में जमा की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके एवं कृषि कार्य को बेहतर दिशा मिल सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया, ताकि यदि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती हैं तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए, उनमें से ये था मेक इन इंडिया, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए। गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण और उनके बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य लगातार किए जा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री का उद्देश्य छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किश्तों के आधार पर खुद का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान, जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाए, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। नरेंद्र मोदी के मुख्य कार्य आज वो भी जान लीजिए। भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, तो ये बातें लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए और इनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है। भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शासन के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया, इससे बीटी कॉटन की खेती में मदद मिली। दूसरा, नोटबंदी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए और इसके स्थान पर 2000 और 500 के नए नोट जारी किए। ये मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। GST, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया। सर्जिकल स्ट्राइक,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। एयर स्ट्राइक साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी गई, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। एक देश एक टैक्स 1 जुलाई 2017, हर राज्य अपने अलग अलग टैक्स वसूलता था। अब सिर्फ GST वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्य को। वसूली केंद्र सरकार करती है, बाद में राज्यों को पैसा लौटाती है। 3 तलाक 19 सितंबर 2018, केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं से 3 बार तलाक कहकर काम करने की प्रथा को गैर कानूनी बनाया। ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा तय हुई। मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते मुआवजे की भी व्यवस्था की गई थी। 370 हटा 5 अगस्त 2019, केंद्र सरकार ने प्रशासनिक संकल्प से जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटा दी। राज्यों को मिले विशेषाधिकार खत्म। बैंकों को बढ़ते NPA से राहत मिलने और उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधा मुहैया होने की बात कही गई। ऊपर दिए हुए मुख्य कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री जी खाते में कुछ अन्य कार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि भी शामिल है। इसके अलावा विदेश निवेशकों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपने अहम भूमिका निभाई है। इन सभी के साथ ही मोदी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प भी दिखाया है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब तक जीवन में निम्न उपलब्धियां हासिल की। सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। सन 2009 में एक और मैगजीन में उन्हें FTI पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशिया विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। इसके बाद मार्च सन 2012 में जारी एक एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फोटो छपी थी। सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर रहा और इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भी मोदी जी का नाम सूचीबद्ध किया गया है। सन 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी जी का नाम दुनिया के 13वें सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में था और इसके साथ ही इन्हें इसी साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 300 सबसे प्रभावशाली लोगों में दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं के रूप में नामित किया गया था। सन 2014 से और 2016 में मोदी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया। साल 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल अजीज अल साउद के आदेश पर दिया गया था और 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार घाजी आमिर अमृतुल्लाह खान के राज्य आदेश पर दिया गया। साल 2014 से 2015 और 2017 में भी मोदी का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था और वहीं सन 2015 से 16 और 2018 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया गया। 10 फरवरी सन 2018 में इन्हें विदेशी डिग्निटी के लिए प्लेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया और इसके साथ इन्हें सम्मानित किया गया। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और ये अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया था जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस लीडरशिप के लिए सन 2022 में प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्प लिया था। वहीं साल 2018 में ही 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी के योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी साल 22 फरवरी सन 2019 को मोदी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया और साथ ही मोदी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी
स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। तो इस तरह से मोदी ने अपने मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद तक के कार्यकाल में काफी सारी उपलब्धियां अपने नाम की है और आगे भी लगातार करते रहेंगे। देखिए, ये तो हो गई उपलब्धियों की बातें जब वो मुख्यमंत्री रहे और अब वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो विवादों से भी जुड़ा रहा है, उनकी आलोचनाएं भी काफी हुई हैं, तो चलिए आपको वो भी बताते हैं। सन 2002 में हुए गुजरात दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद, जिसके तहत आलोचकों का कहना है कि मोदी जी इस दंगे को भड़काने के पीछे मास्टरमाइंड है। सन 2002 में तिलवाड़ा के गुलबर्ग सोसाइटी में अपने पति की हत्या के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया गया था एक महिला ने। नरेंद्र मोदी का नाम इशरत जहां के फेक एनकाउंटर के लिए भी आया था, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। नरेंद्र मोदी के वैवाहिक स्थिति को लेकर भी आलोचकों द्वारा आलोचना की गई। गुजरात दंगे में चूंकि मोदी जी का नाम सामने आ रहा था, इसके चलते यूनाइटेड स्टेट द्वारा उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया था। सन 2015 में नरेंद्र मोदी ने 10 लाख रुपए की कीमत का एक सूट पहना था जिसमें उनका नाम नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था, इसके लिए आलोचकों द्वारा उनकी काफी आलोचना की गई थी। वहीं 10 अगस्त 2018 में भारतीय संसद में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी को राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरिवंश राय नारायण सिंह के चुनाव के बाद अपने भाषण में हरिवंश को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव दो हरि के बीच था, तो इसी वजह से उस रिकॉर्ड को हटा दिया गया। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज देशवासियों, तमाम बड़े नेताओं, दुनिया भर से बधाइयां शुभकामनाएं उन्हें दी जा रही हैं। तमाम विपक्षी दल भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं और आज हम भी यही कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।